मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के समापन के अवसर पर एमपी इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा परिषद की तरफ से एक सप्ताह तक चलने वाली प्रतियोगिता में विजयी छात्र व छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा प्राप्त करना केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, पुस्तकीय ज्ञान से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त की जा सकती है, लेकिन जीवन में विजेता बनने के लिए शिक्षित होने के साथ साथ ज्ञानवान होना महत्वपूर्ण है। ज्ञान शिक्षण संस्थानों में संवाद के वातावरण और अनुभव से अर्जित होता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण व मुख्य वक्ता उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सफलता हासिल करने के लिए परिश्रम और पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं होता है। उद्देश्य के अनुरूप प्रतिबद्ध होकर समय सीमा में कार्य करते हुए आगे बढ़ने पर लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखते हुए परिश्रम करेंगे तो सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1932 में जब युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की, तब उनका संकल्प था कि देश को गुलामी से मुक्ति मिलने के बाद कैसे नागरिक मिलने चाहिए। उसी संकल्प पर चलते हुए आज यह परिषद 4 दर्जन संस्थाओं के माध्यम से निरंतर शिक्षा और सेवा के प्रकल्पों को आगे बढ़ा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि जीवन में कृतज्ञता का भाव सदैव बना रहना चाहिए। कृतज्ञता का भाव सकारात्मकता से आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। इसको और स्पष्ट करने के लिए उन्होंने ब्रह्मलीन महान दिग्विजयनाथ के अपने गुरु के प्रति प्रकट किए गए भाव के क्रियात्मक पक्ष का स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महान दिग्विजयनाथ जी के गुरु को अंग्रेज सरकार ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण शिक्षक की नौकरी से निकाल दिया। तब गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए महान दिग्विजयनाथ ने एक स्कूल खोला और गुरु को प्रधानाचार्य बना दिया। यही स्कूल महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की आधारशिला बना। संस्थापक सप्ताह के मुख्य समारोह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण व उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की उत्कृष्ट संस्थानों, शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर जगदम्बा लाल द्वारा लिखित पुस्तक पूर्वोत्तर के प्रहरी नागालैंड का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु के कुलपति प्रोफेसर हरि बहादुर श्रीवास्तव, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, कुशीनगर के सांसद विजय दुबे, विधायक श्रीराम चौहान, राजेश त्रिपाठी, विपिन सिंह, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जिनके संरक्षण और मार्गदर्शन में मुझे भी काम करने का सौभाग्य विगत कई वर्षों से मिल रहा है, हम सबके लिए पूजनीय गोरख पीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि सदैव श्री हरिवंश नारायण जी जो राज्यसभा के माननीय उपसभापति हैं, योगी कमलनाथ जी महाराज, योगी मिथिलेश जी महाराज, डॉक्टर राजेंद्र भारती जी, चौधरी प्रमोद कुमार जी, श्री विजय दुबे जी, प्रोफेसर पूनम टंडन जी, मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित सांसदगण, विधायकगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित विशिष्ट अतिथि भाई और बहनों और बहुत ही प्यारे बच्चों, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पूज्य महाराज जी ने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का एक अवसर दिया। गोरखपुर की पुण्य भूमि जो गोरख पीठाधीश्वर परम पूज्य गोरखनाथ जी महाराज के संरक्षण उनके मार्गदर्शन में परम पूज्य योगी दिग्विजयनाथ जी महाराज और आगे परम पूज्य स्वामी अवैधनाथ जी महाराज जी के श्री चरण रज लेने का मुझे जिस समय में बजरंग दल का संयोजक था और श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़ा था तो उनके चरण रज लेने का मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। इस नाते से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और आज जिन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाकर
पूरे प्रदेश को एक नया स्वरूप दिया है, देश में एक नई राजनीति की दिशा दी है और विश्व भर में जिनकी प्रसिद्धि है ऐसे परम पूज्य योगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां पर मुख्यमंत्री जी उपस्थित हो वहां पर मुख्य वक्ता के रूप में मुझे बोलना हो तो मेरे लिए बड़े संकोच की बात। मुझे नहीं मालूम था कि मैं यहाँ मुख्य वक्ता हूँ, क्योंकि एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि आपको गोरखपुर में कार्यक्रम में रहना है। शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, जिनकी विद्वता, अनुभव, सक्रियता और प्रतिबद्धता को मैं पुनः प्रणाम करता हूं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सदस्य श्री प्रमोद नाथ मिश्र जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के विभिन्न संरक्षक मंडलों व समितियों के सदस्यगण, यहाँ उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकगण और हमारे देश के भविष्य विद्यार्थी जो यहाँ मौजूद हैं, देवियों और सज्जनों, यशस्वी संत महात्माओं और महापुरुषों की तपस्थली एवं कर्मभूमि गोरखपुर में आज आपके बीच उपस्थित होना यह मेरे लिए गौरव की बात और यह संभव हो सका कि मैं आज यादगार संस्थापक सप्ताह समारोह में यहां उपस्थित हूं, तो इसके लिए मैं आभार और धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, महाराज जी और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी इस संस्था के सदस्यों को देता हूं। जैसा मैंने कहा कि यह तप की स्थली है, त्याग की स्थली है, इसी पावन धरती को महायोगी गोरखनाथ जी ने अपनी तपस्थली के रूप में चुना। उनकी सिद्धि और साधना को निरंतरता प्रदान करती नाथ पथ की सर्वोच्च पीठ गोरखपीठ के सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक पुनर्जागरण के विशिष्ट योगदान को आज पूरा मुल्क और बाहर लोग जानते हैं। यह पीठ आज जन जागरण केंद्र, जन सेवा केंद्र व शिक्षा के केंद्र के रूप में सामाजिक राष्ट्रीय चेतना को बचाने बढ़ाने का गौरवपूर्ण काम कर रहा है। इस अवसर पर युग दृष्टा गोरखपीठाधीश्वर महंत पूज्य दिग्विजयनाथ जी महाराज को मैं पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आप सोचिए लगभग 100 साल पहले 1932 में 91 डॉक्टर अरुण कुमार सिंह हमारे युवा प्राचार्य, अरे हम लिस्ट देख रहे हैं 154 आयुषी, इसके बाद टोकन नंबर 63 और आने वाली युगी का स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान और स्वागत स्मृति ग्रंथ के माध्यम से सम्मान अस्ति। 155 द्वितीय स्थान द पिलर्स पब्लिक स्कूल ज्योति यादव नहीं है। 153 दिव्यांग द्वारा लिखित पूर्वोत्तर के प्रहरी नापति राज्यसभा नई दिल्ली मुख्य वक्ता श्री सतीश। इसके बाद प्रखर जायसवाल टीम कैप्टन वॉलीबॉल प्रतियोगिता आज क्या भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हमारे माननीय मुख्य अतिथि पहुंचा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद समृद्धि। इसके बाद वरिष्ठ वर्ग विघ्नेश नाथ जी महाराज, प्रोफेसर राजेंद्र भारती नेशनल डिफेंस अकेडमी, विद्यालय गोरखपुर 100 बच्चे, माना प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल रही। इसके बाद गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट द्वितीय स्थान टोकन नंबर 16 गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ भरोसा ट्रॉफी, टोकन नंबर 15 महाराणा प्रताप ट्रॉफी
वाराणसी को। श्री अमित यादव लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करने का एक जज्बा रहा है, वह आपके लेखने के माध्यम से भी दिखता है। देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए जयप्रकाश जी के नेतृत्व में चले उस आंदोलन में एक छात्र के रूप में अग्रणी पंक्ति में रहकर के आप उस आंदोलन का हिस्सा बने थे और उस अभियान को आगे बढ़ाया। लेकिन आपकी लेखनी में भारतीयता, भारत का अध्यात्म और भारत के जीवन मूल्य बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं, जिनमें भारत की विशेषज्ञता है। और दुनिया में जब भी भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा, उसमें भारत की उस विरासत का, भारत के उन मूल्यों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। आपका मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य के रूप में, वरिष्ठतम सदस्यों में से श्री सतीश महाना जी एक संघर्षशील विचारवान कार्यकर्ता के साथ एक राजनेता के रूप में, एक उद्यमी के रूप में और एक शिक्षाविद के रूप में अपने कार्यों को आगे बढ़ाए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश के जिस वातावरण को आज हम बनाते हुए सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं, जब 2017 में नई सरकार बनी थी उस सरकार की औद्योगिक नीति को बनाने के लिए आपकी अनुभव, आपके उस समय के औद्योगिक विकास मंत्री के रूप में किए गए परिश्रम का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश के रूप में हम सबको प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण तथ्य है, देश के अंदर लोकतंत्र के जो महत्वपूर्ण स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका कैसे विचारों के मंथन का केंद्र बिंदु बन सकता है, कैसे हम वहां पर विभिन्न विचारों को एक मंच पर, एक स्थल पर सुन सकते हैं और उसको एक डिबेट का माध्यम बनाकर के विकास के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। आपने पिछले 1.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई को चलते हुए देखा होगा। इसके बाद मैं अपने आदरणीय मुख्य इंटर के श्रेष्ठतम विद्यार्थी के रूप में श्री अंजल कुमार यादव, राज्य स्तरीय प्राइज मनी खेल प्रतियोगिता, श्रेष्ठतम शोभा यात्रा, श्रेष्ठ पने हमारी संस्था दिव्य नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ टोकन नंबर 20 गोरखपुर के कर्मचारी और अपने कार्य से सारे विश्व में मीडिया के लोग, मैं आप सब श्रेष्ठतम कर्मचारी के रूप में बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स गोरखपुर प्रोत्साहन श्री विष्णु कुमार सिंह महाराज प्रताप इंटर का, डॉक्टर हरिप्रसाद शाही स्मृति पुरस्कार श्री वेंकटेश, चौधरी विनोद कुमार स्मृति पुरस्कार के रूप में श्री शिवम पांडे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी महाराज,